हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। बत्ता के लिए हम क्या कहना चाहेंगे कि जब फिल्म की शुरुआत हुई थी तो कितने आश्वस्त थे फिल्म से बत्ता के लिए और कितना ज्यादा आपने उस अनुभव को किया? सबसे पहले मेरे पूरे भोजपुरिया समाज को, पूरे भोजपुरिया जनता जनार्दन को, सभी को तहे दिल से प्रणाम है, सलाम है। और आज हम सब की मेहनत रंग लाई है, मतलब हम सब का मेहनत जो है आज पर्दे पर टंगा है, पर्दे पर दिख रहा है, जिस फिल्म का नाम है नायक। और हम सभी ने, पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत किया है इस फिल्म के लिए। इसमें और एक जो जैसा कि आपने पहले कहा कि जब फिल्म शुरुआत हुई थी तो फिल्म के शुरुआती दौर में मैं सबसे ज़्यादा थोड़ा सा कॉन्शियस इस बात को लेकर था कि इस फिल्म का निर्माण पूरी तरह हैदराबाद में होना था, साउथ में होना था, और हम लोग ठहरे यूपी बिहार के लोग, तो वो जो साउथ और नॉर्थ का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे मिलेगा, उस बात की थोड़ी कॉन्शियसनेस थी। और चूंकि यहाँ पे हम सभी से जो अपने लोग हैं यहाँ पर जो रेगुलर काम करते हैं मुंबई में जो लोग हैं, तो ये हम आदती हो गए एक दूसरे को देखते देखते, बचपन से बड़े हो गए सबको देखते देखते, काम करते करते। तो उसी प्रकार जब मुझे लगा कि अब नई जगह जाना है, पूरी तरह नए लोग होंगे, उसमें से एक भी चेहरा पुराना नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ देखते हुए जब मैं वहाँ पे, लेकिन जब पहुँचा हैदराबाद नायक की शूटिंग करने, तो यकीन मानिए कि पहले दिन जब मैं शूटिंग पर गया मुझे बिल्कुल भी कोई भी अंतर नज़र नहीं आया, चाहे वो मेरे यहाँ के लोग हों या वहाँ के लोग हों, बिल्कुल एक जैसे ही सब थे। पूरी टीम वैसी थी, वैसे ही पारिवारिक माहौल था, सब कोई वैसी एनर्जी था सबका, सब लोगों ने उसी तरह मुझे कोऑपरेट किया, बल्कि और ज़्यादा प्यार दिया और ज़्यादा सम्मान दिया, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मेरे काम को लेकर, मेरे परफॉर्मेंस को लेकर, और सभी ने बहुत अच्छा प्रोत्साहित किया और बहुत मज़ा आया। सब लोग वही परिवार की तरह मिलजुल के काम किए। इस फिल्म के डायरेक्टर रमना मोगली जी, जिन्होंने बहुत मेहनत किया इस फिल्म के लिए, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट इन्होंने सोची और उस स्क्रिप्ट को इन्होंने पर्दे पर उतारा है। सभी जितने भी कलाकार हैं सब ने पहले दिन से मैं ये डिसाइडेड था कि इस फिल्म को एक अलग रूप में लेके जाना है, एक अलग थोड़ा स्टैंडर्ड रूप में। आजकल जो लोग साउथ की तरफ जो भाग रहे हैं, जो लोग साउथ को बड़ा प्रेफरेंस दे रहे हैं, जो हिंदी में डब होकर फिल्में आती हैं लोग काफ़ी देख रहे हैं उसे, तो मैंने सोचा कि भोजपुरी में भी क्यों ना हम एक ऐसी फिल्म बनाएं जो लोग जो देखना पसंद कर रहे हैं, हम उन्हीं के फ्लेवर को हम भोजपुरी में लेकर आएँ, हमारे भोजपुरी के कल्चर से जोड़ते हुए उसी भव्यता को हम अपने भोजपुरी रंग के साथ, भोजपुरी उमंग के साथ, भोजपुरी कल्चर के साथ, भोजपुरी संस्कारों के साथ उसी चीज़ों को हम दर्शाएं, बल्कि भव्यता के साथ दर्शाएं। और इस फिल्म में वही भव्यता नजर आएगी। आप सभी को, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग जल्दी से जाएं अपने नज़दीकी सिनेमा घर में जाके, क्योंकि बहुत भव्य और बहुत ही अच्छी सिनेमा है, आप लोग को उसका मज़ा सिर्फ सिनेमा हॉल में आएगा। और ये फिल्म यूट्यूब पर अभी नहीं आने वाला है, इसको अभी बहुत साल लगेंगे यूट्यूब पर आने के लिए, तो आप लोग कृपया करके जाइए और जाकर सिनेमा हॉल में जाकर अपने इस नायक यानी कि चिंटू पांडे की फिल्म नायक को जाकर जरूर देखिए। बाहुबली अरे बहुत, मैं पहले सोचा था कि जैसा कि हमने बाहुबली में देखा था उनका जो पूरा एकदम विकराल रूप था, और उनका हाइट भी बहुत लंबे हैं, बहुत हट्टे कट्टे हैं, उनकी पर्सनालिटी बड़ी तगड़ी है एकदम, और मैं सोचा भी कि उनके साथ एक्शन है, उनके साथ सीन है, तो लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है, कहावत है कि यूपी बिहार के लोग, यूपी बिहार की जो मिट्टी है वो तो पत्थर पर भी अगर फेंक दिया जाए तो वो उपजाऊ हो जाती है, वहाँ पर भी फसल उगा देती है, तो हम लोग जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ अपना झंडा लहरा कर आते हैं। और यही चीज़ हुआ है, जब उनके साथ जब सीन हुआ तो बड़ा मज़ा आया और बहुत कमाल की कलाकार है वो। उन्होंने अपनी बाहुबली की काफ़ी एक्सपीरियंसेस शेयर की कि बाहुबली में कैसा है, सारे बातें जो बैक टू कैमरा जो बातें थी वो सारी बातें उन्होंने बताई कि कैसे हम बाहुबली के वक्त कैसे शूट करते थे, कैसे क्या करते थे, कैसे टेक्निक्स के साथ, किस मेकिंग, किस टेकिंग के साथ काम होता था, तो वो सारी बातें उन्होंने हम डिस्कस करते थे और बड़ा मज़ा आता था। और दरअसल एक बात को, जितने वो खूंखार दिखते हैं उतने प्यारे इंसान हैं, वो दिखने में बड़े खूंखार हैं लेकिन हैं उतने ही सॉफ्ट, उतने ही नरम दिल के, और बड़ा मज़ा उनके साथ काम करके, जितने भी लोग थे उस फिल्म में सबके साथ बहुत मज़ा आया, बल्कि प्रभाकर ही नहीं, प्रभाकर जी के अलावा उसमें भूपाल थे जो बहुत ही, जिन्होंने कमाल का अभिनय किया है, भूपाल जी ने बहुत, हाँ तेलुगु फिल्मों में उन्होंने 10 से 15 फिल्में एज अ हीरो किया उन्होंने, उन्होंने इस फिल्म में वो एंटी शेड में नज़र आ रहे हैं, मेरे अपोजिट वो खड़े हैं मेरे अगेंस्ट में फिल्म में, और उनका कमाल का परफॉर्मेंस रहा है, काफ़ी तारीफ़ें भी मिल रही हैं उनको, उनके काम को लेकर मुझे काफ़ी मैसेजेस भी आ रहे हैं। तो जितने भी कलाकार हैं सब ने बहुत उम्दा काम किया है, और इसकी जो हीरोइन है पावनी, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी कमाल की अदाकारा, उन्होंने काफ़ी अच्छी अभिनय किया है। भोजपुरी के लिए कितनी खुशी की बात है कि अब साउथ से उठ के
जो नामी गिरामी नाम है और वो भोजपुरी में आके काम कर रहे हैं, तो कितनी है? यही बात है, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम लोगों को बहुत खुशी होती है, हम लोगों के नहीं बल्कि कहीं पर भी, जब आपके घर में जब कोई बाहर से आता है तो आपको ज़्यादा खुशी होती है उनका सेवा सत्कार करने में या उनको अपने रीति रिवाज बताने में। तो उसी तरह कई बीच में एक सवाल भी उठा था, कई लोग बोल रहे थे कि अरे यार, जो नेगेटिव सोचने वाले लोग हैं, जो कभी नहीं चाहते कि हमारे इंडस्ट्री का और हमारा इंडस्ट्री और बढ़े और आगे जाए, तो उन लोग के दिमाग में कहीं ना कहीं खुराफाती कुछ ना कुछ आते रहता है। तो ऐसे कुछ सवाल उन्होंने पूछा कि आपने नायक बनाई लेकिन उसमें भोजपुरी के लोग नहीं है तो कैसे? तो मैंने बोला कि ऐसी बात ही नहीं है, यही बात जिस दिन दिल से निकल जाएगी कि हम भोजपुरी हैं, हम ये हैं, हम फलना है, हम ढिमका है, उस दिन से हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि बात है हिंदुस्तान की, बात है हमारे देश की, जब हम बात करते हैं इंडिया की तो इंडिया में, हिंदुस्तान में सभी लोग हैं, सिर्फ भाषा अलग है। लेकिन जब मैं तो रहा हूँ उनके बीच में, मैंने देखा है उन्हें, एक मैं 40 दिन हम लोग सब साथ में थे, सिर्फ भाषा अलग है, बाकी फीलिंग वही है, इमोशन वही है, सब कुछ वही है, सबके संस्कार। हाँ बिल्कुल आती है, मैं इनकी भाषा ये मैं समझ लेता और मेरी भाषा ये समझ लेते हम दोनों। आप क्या करना चाहेंगे, आपने फिल्म आज रिलीज हुई, कितनी खुशी हुई आपको? मैं अभी दोनों मिलके अंधेरी में एक फिल्म थिएटर में देखा था, बहुत अच्छा लगा, बहुत पब्लिक भी ताली मार रहे हैं, सीटी मार रहे हैं और थोड़ा हैप्पी एंजॉयमेंट है। मैं साउथ की जो फिल्में रिलीज होती है और इसमें क्या कुछ अंतर है, तो वहाँ भी ताली बजती हुई, यहाँ भी सीटी बजता है, कुछ खास साउथ में साउथ इंडियन जो मूवी रिलीज होती है तो वहाँ पे भी सेम ऐसा होता है, यहाँ पे भी सेम, तो क्या डिफरेंस? इधर उधर इतना मजा में ताले ऐसे नहीं मारते, इधर बहुत उसका इमोशन ओपन कर सकते हैं, इधर उधर इतना ओपन नहीं कर सकते, उधर आप उतना आप ताली वाली अब नहीं बजता। लेकिन यहाँ पे आज भी जो कहना चाह रहे हैं कि आज भी हमारे सिनेमा हॉल में आपने भोजपुरी सिनेमा जब लगता है तो लोग अपने इमोशन को एकदम खुला होकर दर्शाते हैं, खुला होकर जब उन्हें अच्छा लगता है तो वो ताली सिटी मारते हैं। दो चीजें पूछ रहा हूँ आपसे, कि एक तो ये कि भोजपुरी का ग्राफ चेंज होगा इस फिल्म से? अब कोशिश वही है, क्योंकि उसी प्रयास को लेकर, उसी सोच को लेकर हमने इस फिल्म का निर्माण किया था कि कुछ एक नयापन आए, एक नया फ्लेवर आए और बहुत बेहतरीन आए और खूबसूरत था। हमने अब हमारे कल्चर को पूरी तरह रखते हुए एक जो इमोशन है, सबसे बड़ी बात तो इस फिल्म का ये है कि परिवार होना कितनी बड़ी बात है लोगों के लिए, वो जो इम्पोर्टेंस है परिवार का होना, वो इस फिल्म में पता चलेगा आप सबको। और परिवार ना होना, परिवार ना होने से क्या चीज़ें आप दुनिया में आप मिस कर देते हो। कई लोग मैं देखता हूँ कि जो अपने पारिवारिक लोगों को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, क्योंकि उनके पास परिवार है इसलिए उनको उनकी इम्पोर्टेंस नहीं पता है। लेकिन आप सबके बताऊँ कि परिवार वो शक्ति है, वो लोग हैं जो आपको हर वक्त, आपके हर कदम पर, आपके हर अच्छे बुरे समय में आपका साथ देते हैं। और परिवार होना कितना ज़रूरी, वो आपको इस सिनेमा से समझ में आएगा। आप लोग जाइए और इस सिनेमा को ज़रूर देखिए। इस सिनेमा का मेकिंग, टेकिंग सब कुछ बहुत अलग है, बहुत अच्छे टेक्निक के साथ सिनेमा का निर्माण हुआ है। इसमें टीम बहुत बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट लोग थे, जो इसका क्लाइमेक्स यहाँ पर शूटिंग हुआ है, वॉन्टेड की शूटिंग वहाँ पर हुआ था, एल्यूमिनियम फैक्ट्री जो सलमान सर की जो फिल्म थी उसके हैदराबाद में, बहुत ही बड़ा और बहुत महंगा लोकेशन है वो, बहुत उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये रमना जी की सोच थी और हमारी, हम दोनों की सोच थी कि हम लोग इस सिनेमा को एक थोड़ा अलग रूप देकर, एक खूबसूरत, एक भव्य रूप देकर हम लोग अपने भोजपुरी में, अपने भोजपुरी के कल्चर को, संस्कृति को रखते हुए, उसकी महक को, उसकी खुशबू को रखते हुए हम इस सिनेमा का निर्माण करेंगे, कि ताकि कोशिश हो, प्रयास हो कि कुछ नयापन, कुछ अच्छा बदलाव आए। एक चीज़ और, फ्यूचर में अभी अगर साउथ से आपको ऑफर आता है तो क्या भोजपुरी से हटके फिर साउथ और हिंदी में भी ट्राई करेंगे? बिल्कुल करूंगा। देखिए वही, जैसा कि मैंने कहा, सिनेमा आज के वक्त में, आज भोजपुरी सिर्फ भोजपुरिया ही देख रहे हैं ऐसा नहीं है, आज भोजपुरी देश विदेश में हर जगह फैल रहा है और नॉन भोजपुरी लोग भी उसे देख रहे हैं। मेरे कई सारे मित्र हैं मुंबई में जो मराठी हैं, गुजराती हैं, पंजाबी हैं, वो लोग भोजपुरी फिल्में देखते हैं, और जो मैं, जिनको मैं नहीं भी जानता हूँ, जो अन्य राज्य में हैं, वो लोग भी कई लोग भोजपुरी देखते हैं। तो बात अब लैंग्वेज बैरियर की कहीं भी कोई सीमा अब लैंग्वेज वाली रही नहीं, अब तो सिर्फ अच्छी चीज़, अच्छा कंटेंट, अच्छा सिनेमा, जो कॉन्सेप्ट और कहानी जिसका अच्छा हो और कहानी के हिसाब से जिसकी मेकिंग अच्छी हो, अब लोग उसे पसंद कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अब आप देख सकते हैं कि साउथ की अब जो फिल्में आ रही हैं, तेलुगु फिल्में हो चाहे तमिल फिल्में हो, वो लोग
जबकि हमसे बहुत कम आबादी में हैं, हम लोग भोजपुरिया, हम लोग 30 करोड़ से ज़्यादा हैं ऑडियंस हमारी 30 करोड़ से बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। देश में हमारे हिंदी से, हिंदी के बाद अगर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है तो वो भोजपुरी है। लेकिन हम कुछ चीज़ों की वजह से हम पीछे रह गए ड्यू टू कलेक्शन वाइज सिनेमा के प्रति, क्योंकि सिनेमा के लिए कोई भी हमारे भोजपुरी से कोई समर्पित नहीं है। भोजपुरी यानी कि इंडस्ट्री से नहीं, इंडस्ट्री वाले तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं सिनेमा के लिए। हमारी सरकार जो है, हमारी सरकार बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है भोजपुरी सिनेमा को लेकर। वो बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है कि हम भोजपुरी के लिए, मैं अपने सिनेमा के लिए कुछ करूं। जो बहुत बड़ा कारण रहा है भोजपुरी सिनेमा को पीछे रहने में, अच्छे सिनेमा हॉल नहीं है, मल्टीप्लेक्सेस नहीं है, जो कंपलसरी कराना चाहिए हमारे भोजपुरी के लिए। और उससे बड़ी बात तो मैं, अब इससे बड़ी बात क्या होगी कि हमारी भोजपुरी 8वीं सूची में शामिल नहीं हुई अब तक, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आपने तो साउथ में जाके ऑडियंस बनाई है भोजपुरी फिल्मों की। हाँ, मैंने तो जो लोग वहाँ पे मिलते थे मैं उनको बोलता था कि यू शुड मस्ट वॉच भोजपुरी फिल्म, मैं उनको बोलता था कि भोजपुरी सिनेमा देखिए। अब मेरा तो प्रयास ही यही है, इसी मिट्टी का हूँ मैं, इसी परवरिश में पला बड़ा हूँ, इसी खानदान का हूँ। भोजपुरी तो रग रग में बसता है, और मैं चाहता हूँ कि जितना भी हमार जहाँ भी हम जाएँ हम अपन भोजपुरी की महक हर जगह फैला जाएँ, हर जगह उनका खुशबू बिखेर जाएँ, कि ताकि भोजपुरी की सुगंध हर जगह, जहाँ भी हम रहे तो चिंटू पांडे जहाँ भी जाए वहाँ पर भोजपुरी का सुगंध रहे। और जहाँ पर भी जो भी सिनेमा मिलेगा ज़रूर करेंगे, और मैं पूरी कोशिश करूँगा लेकिन कि मेरी भोजपुरी हमेशा आगे रहे और आगे इसे और लेके जाऊँ, क्योंकि मैं युवा हूँ और लोग जो आइडियल जिसे हम कहते हैं कि अगर आप किसी को आइडियल मानते हैं तो आइडियल के वैसे कर्म होना चाहिए जो लोग आपको फॉलो करें, तो वो वाली बात है। साउथ में फैन फॉलोइंग बना के आ गया, प्यार कर रहे हैं लोग वहाँ पर भी। और अभी वही रमणा सर बोल रहे थे कि हम लोग तेलुगु फिल्म भी प्लान करते हैं, मैंने बोला बिल्कुल करिए, लेकिन मेरा रुझान भोजपुरी की तरफ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी भोजपुरी एक दिन ऐसा है, वो दिन ऐसा है, वो दिन मैं ज़रूर देखूँ। ईश्वर अगर मुझे, ईश्वर और मेरी जनता अगर मुझे वो दिन दिखाना चाहे कि वो दिन आए ज़रूर कि जब लोग आज बॉलीवुड के लोग साउथ की तरफ भाग रहे हैं, वो दिन आए कि जब बॉलीवुड के लोग हमारे भोजपुरी की तरफ भागे। और आज जो कहीं ना कहीं कुछ लोग भोजपुरी के नाम से मुँह सिकोड़ लेते हैं, तो उन्हें ये चीज़ ना हो बल्कि भोजपुरी पर गर्व महसूस हो। और वो तभी होगा जब अच्छे मेकर्स रहेंगे, जब अच्छी सिनेमा बनेगा, जब लोग सिनेमा के बारे में ही सोचेंगे तभी ये चीज़ हो पाएगा। चिंटू जी, रानू मंडल की चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी है जी, और सोशल मीडिया के बारे की बात करें तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि चिंटू जी आर्थिक मदद किया है रानू मंडल की, तो ये कितना परसेंटेज सच है? देखिए, ये अंदरूनी बातें और मैं उसे बाहरी उसे ओपन नहीं करना चाहूँगा, मेरी वो फितरत नहीं रही है। मेरी जो आदत रही है वो पहले से बचपन से ही, मेरे दादाजी ने एक बात सिखाई थी बचपन में कि अगर आपको कोई भी अच्छा काम करना हो किसी के लिए भी, तो आप अगर आप दाएं हाथ से करें तो आपके बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तो वो मेरी अपनी चीज़ है, मेरी अपनी खुशी, मेरी अपना सेटिस्फैक्शन है। और मैं तो मैं चाह भी रहा हूँ कि मैं उनके साथ एक बहुत खूबसूरत सा, मैंने इसके पहले भी कहा था कि उनके साथ एक बहुत खूबसूरत सा और रोमांटिक सा एक गाना मैं भोजपुरी में गाऊँ उनके साथ, और मेरी इच्छा भी है। ये इच्छा इसलिए है क्योंकि वो जो टैलेंट है वो बहुत रेयर है, और वो बहुत रेयर ऐसी जगह से उठ के आए हैं जिसके लिए हम सभी को एक सबक होना चाहिए जीवन में। वो रानू मंडल जी आज के जीवन में सबसे बड़ी सबक है लोगों के लिए, जो लोग डोमिनेट हो गए हैं, जो लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं, कि जो एक उम्र के बाद कहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, हम आप तो कुछ नहीं हो सकता। आप लोग देखिए और सीखिए कि इस उम्र में भी रानू मंडल जी जो एक स्टारडम लेकर अचानक से एक बहुत बड़ा लहर जो लेकर आ गई हमारे हिंदुस्तान में, तो ये किसी के भी साथ कभी भी हो सकता है। भाग्य कब किसका चमका दे कोई नहीं जानता। नायक की बात करें तो आज से कई साल पहले नायक पिक्चर आई थी जी, अनिल कपूर जी की, तो क्या पिक्चर उससे कुछ मिलता जुलता रहा कि सेम वैसा ही? नहीं, बिल्कुल नहीं, नायक जैसा पहले अनिल कपूर वाली थी वैसी बिल्कुल भी नहीं है, उससे पूरी तरह अलग, उससे पूरी तरह नई वैसे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अनिल कपूर साहब की जो सिनेमा थी वो बिल्कुल अलग थी, एक अलग कहानी पर थी, अलग मुद्दे पर थी, राजनीतिक मुद्दे पर थी। ये कहानी कोई राजनीतिक मुद्दे पर बिल्कुल नहीं है, ये पूरी तरह एक नई कहानी है। और मेरा दावा कि ऐसा कहानी ना अब तक भोजपुरी में आया है, ना अब तक हिंदी में आया है, ना अब तक साउथ में आया है। कई लोगों को शायद ये भी लगे कि साउथ के लोगों ने बनाया तो शायद हो सकता है किसी साउथ फिल्म का कॉपी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका आपको एक सीन भी किसी फिल्म का आपको कॉपी नहीं मिलेगा, पूरी तरह ओरिजिनल कहानी है, नई कहानी है। और मेरा हमेशा प्रयास ही होता है कि नई फिल्म करूँ, नई कहानी करूँ, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी देख चुके हैं उसे करके मतलब नहीं है। आप करो तो कुछ नया करो, बेहतर करो, जो आपके भोजपुरी के लिए बेनिफिशियल हो। अच्छा, ये फिल्म सिर्फ भोजपुरी लैंग्वेज में भी है या साउथ में भी डब?
नहीं, ये सिर्फ भोजपुरी में है, ये सिर्फ भोजपुरी में ही बनाया गया है, इसका कोई डबिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि ये सिर्फ शूट हुई है पूरी तरह वहाँ पे, क्योंकि वहाँ की टेक्निकलिटी हमें चाहिए थी, वहाँ के टेक्नीशियंस हमें चाहिए थे, वहाँ की मेकिंग हमें चाहिए थी, लेकिन वो पूरी तरह भोजपुरी सिनेमा है, पूरी तरह अपना आपन परिवार के सिनेमा है। कितना फर्क था यहाँ की मेकिंग में और वहाँ की मेकिंग में? अब ऐसा कुछ नहीं है, देखिए मेकिंग में फ़र्क कुछ नहीं है, चेंज ये रहा है कि वो स्टाइल अलग है, बस मेकिंग वही है, स्टाइल अलग है, कैमरा वही है, लोग वही हैं, बट स्टाइल अलग है दोनों का। एक एक कोई अलग स्टाइल से सिनेमा बनाते हैं, लोग अलग स्टाइल से। जैसा हिंदी में भी कई सारे मेकर्स हैं, तो सबका अपना अपना स्टाइल है। भोजपुरी में हमारे जो लीजेंडरी मेकर्स हैं उनका अपना अपना स्टाइल है, सबके अपना अपना फ्लेवर है, अपना अपना स्टाइल है। तो उसी प्रकार जैसा हमारे यहाँ जो भोजपुरी की जो फिल्में एक से एक खूबसूरत फिल्में बनी हुई हैं, ये अपना एक अलग एक खुशबू बिखेरता एक अलग अपना स्टाइल है, और ये थोड़ा एक अलग पैटर्न का एक अलग स्टाइल है। लास्ट पूछना चाहूँगा कि आपसे हिंदी फिल्मों में जैसे मान लीजिए खान का एक समय था, वो लोग आए चले गए, नए नए एक्टर्स आए, तो भोजपुरी फिल्म में भी लग रहा है कि आप लोग का समय आ गया, जो यंग मतलब हैं, जो अभी कम उम्र के हैं, जैसे खेसारी जी, पवन जी ने तो काफी दिनों से काम करे, दिनेश जी तो अभी थोड़ा सा थम गया उनका टाइम, अब नए लोग हैं, आप हैं, अरविंद जी। देखिए बात नए पुराने की नहीं है, बात है कि कौन किसको किस अपने किरदार को और जनता को कितना जस्टिफाई कर पाता है, कितना उन्हें रुझा पाता है अपने किरदार को लेकर, अपने सिनेमा को लेकर। और देखिए जैसा आज भी हम किसी भी इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ का जो जो सीनियर होते हैं वो ऑब्वियसली सीनियर होते हैं, उनकी एक अलग रिस्पेक्ट होती है। वैसे ही हमारे इंडस्ट्री में भी दिनेश जी जुबली स्टार रहे हैं, आज भी हैं, पवन सिंह जी पावर स्टार रहे हैं, तो ये मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, ये सब ये मेगा स्टार्स हैं। इन्होंने जो काम किया है, जो पिलर जो इन्होंने बनाया है, आज उसी पिलर पर हम अपने फ्लोर्स खड़ा कर रहे हैं। और हम बस ये प्रयास कर रहे हैं, जो मेरी अपनी सोच है कि मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि उस जो नींव को, जो उन्होंने जो नींव बांधा था भोजपुरी को, उस नींव को मैं और बिल्डिंग को कितना ऊपर उसको टावर बना सकता हूँ, ये मेरी अपनी मेहनत रहेगी और मेरा अपना यह प्रयास है। बाकी हाँ ये बात अलग है कि जितने नए जो यंग जो जनरेशन जो आई है, जो नए कलाकार, नए नहीं बल्कि काफ़ी समय से हम लोग, लेकिन जो यंग कह सकते हैं कि जो यंग जनरेशन हैं, बल्कि मैं कहूँगा तो कल्लू भाई सीनियर हैं, वो भले उम्र कम है लेकिन सीनियर हैं वो, तो जो ये काफ़ी समय से हैं, बल्कि वो बचपन से वो गायकी कर रहे हैं, बचपन से उन्होंने मंच देखा है, और तो ये यंग जितने भी लोग हैं सबकी यही प्रयास है, सब बेहतर सिनेमा कर रहे हैं और सबकी यही बस कोशिश है कि हम अच्छा सिनेमा करें अपने भोजपुरी को। आज हम बाहर कहीं भी जाते हैं तो हम लोग एक एक इंडस्ट्री की फिल्म की तारीफ़ सुनते हैं, एक इंडस्ट्री की फिल्म की तारीफ़ सुनते हैं, हम अपनी तारीफ़ बहुत कम सुनते हैं, बाहरी लोगों में बहुत कम सुन पाते हैं। जो साल में एक आध फिल्में होती है जिसकी हम कहीं चर्चा हम सुन पाते हैं, जो बहुत बड़ी हिट होती है, तो ये चीज़ हम इस चीज़ को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कहीं बाहर खड़े हों तो बल्कि जो लोग इस उस इंडस्ट्री की जो बातें करते हैं वो शुरुआत ही करें भोजपुरी से कि यार आपके भोजपुरी में ये एक ऐसी फिल्म आई थी। नायक के बाद एक बहुत ही खूबसूरत बेहद ही कमाल की फिल्म विवाह आने वाली है, और उसके बाद लैला मजनू आने वाली है। विवाह में संचिता बैनर्जी और आकांक्षा अवस्थी हैं, दोनों बेहतरीन और बहुत ही कमाल की अदाकारा हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत और कमाल की एक्ट्रेस हैं, और उसमें साथ साथ पाखी जी, पाखी हेगड़े जी जो हमारी लीजेंडरी एक्ट्रेस रही हैं भोजपुरी की, वो उसमें उन्होंने स्पेशल सॉन्ग किया है, काजल राघवानी जी ने बहुत अच्छा गाना किया है। हम दोनों की जोड़ी काफ़ी मेरे ख्याल से काफ़ी सालों के बाद दिखाई देगी विवाह में, हमने काफ़ी साल काम नहीं किया साथ में, अब उसके बाद हम ये काम करने आ रहे हैं साथ में, गाना और कमाल का गाना है, तड़कता फड़कता, आप सबको बहुत अच्छा लगा। हाँ काफ़ी काफ़ी कुछ कहते ना कि एक्सपीरियंस मेक्स द मैन परफेक्ट, और उन्हें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इतने सालों से, और वो एक्सपीरियंस जो तो उनकी अपनी इच्छा है भाई, वो स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र देश की नागरिक है, वो चाहे काजल लगाए चाहे कुछ भी लगाए, उनकी अपनी मर्जी है, सब अपने मर्जी का मालिक है यहाँ पे, तो कुछ भी कर सकते हैं। रानी जी के साथ एक फिल्म है, वही मैं फिल्म के आगे चर्चा करने आ रहा था कि एक फिल्म है लैला मजनू। लैला मजनू एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी है, जैसा कि हम लैला मजनू सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते हैं लैला मजनू, शरीन फरहान, हीर राजा फलना, सब नाम सुनते हैं, तो ये लीजेंडरी लव नेम्स है, रोमांटिक कपल्स के नाम हैं जो, तो उस टाइटल करने का मौका मुझे मिला, और चूंकि इंडस्ट्री का लोग कहते हैं रोमांटिक बॉय, तो वो रोमांस जो लव स्टोरी जो सिनेमा है मेरा भी बहुत प्रिय है, जब भी कोई लव स्टोरी की बात आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है करने में, और
क्योंकि उम्र ही है प्यार करने वाला, तो ये जो उम्र है इसका मैं बहुत भरपूर फ़ायदा उठाता हूँ, प्यार करता हूँ पूरी फिल्म में, भरपूर प्यार करता हूँ, जैसा कि आप सबसे भी करता हूँ वैसे ही अपनी हीरोइन से भी भरपूर प्यार करता हूँ, तो वही प्यार वो उस फिल्म में भी मेरा और अक्षरा सिंह का प्यार आपको नज़र आएगा, और काफ़ी कमाल का प्यार है हम दोनों का, वो केमिस्ट्री वो जोड़ी आप सबको, हम लोग पहली बार मेन लीड में मैं और अक्षरा जी साथ में आ रहे हैं और बहुत अच्छी फिल्म बनी, उसमें एक हमारी रानी चटर्जी जी का बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब अक्षरा जी बहुत मेहनती और अपने काम के प्रति बहुत डोमिनेट रहती हैं, वो बहुत बहुत अच्छा अपने वो किरदार जो भी होता है उसको बहुत समझती हैं, पढ़ती हैं और उसको उसमें वो रमी रहती हैं, वो काम करती हैं, अच्छा हार्डवर्किंग लड़की हैं और बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करके, वो हमेशा लाइव रहती हैं मेरी तरह जैसे मैं लाइव रहता हूँ हमेशा सेट पे, मुझे लाइव रहना और लोगों को लाइव रखना बहुत पसंद है कि ताकि वो एनर्जी जब मेंटेन रहता है सब में तो बहुत अच्छा काम होता है, वही उनका भी आदत है, तो जब दो ब्लास्ट एनर्जी इस फिल्म में जुड़े हैं तो सोचिए इस फिल्म में क्या होगा, और बहुत कुछ धमाका है लैला मजनू में, उसमें रानी चटर्जी जी जो बेहद ही खूबसूरत हमारी लीजेंडरी एक्ट्रेस, बल्कि एक्ट्रेस कम हीरो कहेंगे उन्हें, तो वो भी एक बहुत ही कमाल के एकदम डैशिंग, हाँ ये बहुत खुशी की बात है, हाँ ये बल्कि मैं ही नहीं बल्कि पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री और पूरा भोजपुरी पूरा यूपी बिहार इस चीज़ के इंतजार में था कि रानी जी अपना वेट कम करें और फाइनली उन्होंने वो कर दिखाया, जो बहुत बड़ी बात है एक्चुअली, और देखिए कमाल की खूबसूरत लग रही है। गाने की बात करें नायक की, तो गाना अच्छा है जी, गाने हाँ गाने तो बहुत खूबसूरत है, इसमें एक मेरे गाना था पांडे जी का बेटा हूँ, उसमें मैं और निधि झा जी थे, उसके बाद अब उस फिल्म के बाद माई रे माई हमरा हुए लेके चाहिए के बाद अब नायक में हम दोनों ने एक बहुत ही खूबसूरत सा स्पेशल सॉन्ग किया है, अपने से पलंग हिल बजा लो रे, बहुत खूबसूरत गाना है, यूट्यूब पर है, आप सबको सुनने को मिला, तो जिससे भी बहुत नाचने का मन करे पार्टी करने का मन करे वो गाना ज़रूर सुने, ओकरा साथ साथ ओकरा अलावा और भी बहुत सारा अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया गाना वो फिल्म में, फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर बारे मधुकर आनंद जी जे बहुत ही खूबसूरत गीत से अपन संगीत से गाना के सजोले बढ़ा, तो रवा लोग सबसे पहले तो विनती बा कि आप सब लोग अपना परिवार के साथ जाकर नायक के जरूर देखी, जे कोई देख ले बा उनसे हम पूछें कि कमेंट्स में बताएं फिल्म कैसे लागल है, और उन सबको पता है कि हाँ फिल्म का फिल्म पूरी तरह पारिवारिक है, उन सब ने देख लिया तो उन्हें पता ही है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग जाकर अपने पूरे परिवार के साथ फिल्म में देखें, और इस नायक में एक खूबसूरत सा तड़का एक मसाला जो हमारे कॉमेडियन हैं संजय महान जी, जिन्होंने बहुत कमाल का अभिनय किया है इस फिल्म में, एक अलग एक उनका एक अभिनय आप सबको देखने को मिलेगा जो आप सबको हंसा हंसा के लोटपोट कर देगा, क्योंकि हम भी जब सिनेमा देख रहे थे थिएटर में देख रहे थे आज हम लोग, तो पब्लिक मतलब इतना ताली बजा रही थी, इतना हंस रही थी हम दोनों के उस सीन में, एक सीन हाँ वो बहुत अच्छा उन्होंने अभिनय किया है और बहुत मजा आया उनके साथ काम करके, तो आप लोग भी जाइए इस तड़कते फड़कते धमाकेदार जोड़ी को देखिए और अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। चिंटू पांडे जी से भोजपुरी इंडस्ट्री से कुछ लोग खफा है कि भोजपुरी मतलब लोग लेके पिक्चर नहीं बनाए, उनके बारे में क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, सारे के सारे बिजी हैं, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरा तो ये वही जैसा कि मैंने कहा पहले कि साउथ का आपने क्यों, वही जैसा कि मैं बोल रहा था कि लोग जो जो बातें कर रहे हैं कि भाई आपने साउथ के लोगों के साथ, अरे यार मैं जब हम एक सिंपल उदाहरण में देना चाहूँगा कि हमारा जब भी कोई भी जब हमारे एरिया में हमारे राज्य में जब कोई भी एक टूरिज्म वाली जगह होती है तो गवर्नमेंट क्यों टूरिज्म बाहर के लोगों को बुलाती है ज़्यादा, उसका कारण यही रहता है उन्हें क्यों ज़्यादा सुविधा देती है कि ताकि वो हमारे यहाँ आए हमारी संस्कृति को समझें हमारे प्लस पॉइंट्स को देखें हमारी खूबसूरती को देखें हमारे संस्कारों को हमारे कल्चर को देखें और उसमें अपने चीज़ों को एंजॉय करें, तो मेरा यही मानना था कि हमारी जो भोजपुरी इंडस्ट्री है इसमें बाहर के लोग आएंगे तो इंडस्ट्री और बड़ी होगी, लोग जितने बाहर के लोग होंगे उतने इस इंडस्ट्री से जब वो जाएंगे तो वो इस इंडस्ट्री की हमारे भोजपुरी भाषा की हमारे भोजपुरी कल्चर की वो बाहर जाकर तारीफ करेंगे हमारे भोजपुरी की बातें करेंगे, इससे हमारी भोजपुरी भाषा और फैलेगी, तो यही मेरा सोच है और मैं हमेशा इसी प्रयास में रहता हूँ कि लोग इंडस्ट्री में और आएँ इंडस्ट्री और बड़ी हो और अच्छे टैलेंट आए और अच्छे अच्छे लोग आएँ कि ताकि हम और बेहतरीन और अच्छा अच्छा सिनेमा लोगों के लिए देते रहे और हमारा इंडस्ट्री और बड़ा होता जाए। आखिरी में चलते चलते ऑडियंस से क्या कहें गणपति? हाँ आज गणेश जी मेरे के भी घर पे आए थे और
बहुत एक ये जो दिन होते हैं, ये जो माहौल होता है, ये बड़ा कमाल का होता है। जब भी गणेश जी का आगमन घर में होता है तो एक अलग सा एक एनर्जी होता है आपके अंदर। और मेरे तो बहुत प्रिय हैं गणेश जी, तो मैं उन्हें बहुत मानता हूँ, तो हर साल उन्हें अपने घर में लाता हूँ और सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। वैसे हम क्या दे पाएंगे, लेकिन हमारी जो भी हमसे जो भी बन पाता है हम ज़रूर करते हैं। और इसीलिए आप सबको गणेश चतुर्थी की सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं। गणपति बप्पा, गणेश जी, आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां भरें, बहुत सारे रंग भरें, आप सबका परिवार सुखी रहे, संतुष्ट रहे, सभी लोग तंदुरुस्त रहें, किसी को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि आप लोग खुश रहेंगे, आप लोग सुखी रहेंगे तो हम सुखी रहेंगे, हम अच्छे रहेंगे, हमारा सिनेमा अच्छा चलेगा। लेकिन आप सबसे निवेदन है कि जाइए और सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म को ज़रूर देखिए अपने पूरे परिवार और पूरे दोस्तों के साथ। जाते जाते लव यू ऑल, और बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने फिल्म देखी, और जो लोग हमेशा अपने चिंटू की, अपने भाई की, अपने बेटे की फिल्में जो देखते हैं सिनेमा हॉल में जाकर, उन सभी को दिल से सलाम है, प्यार है। और जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग जाकर जल्दी से जल्दी अपने नज़दीकी सिनेमा हॉल में जाकर जरूर देखें। ये मैं इंतजार कर रहा था, मैं सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा हूँ एक बजने का, कि जैसे ही एक बजेगा मैं सीधा न्यूज के सामने बैठूंगा और वो चीज देखना चाहता हूँ। हाँ, इसीलिए मैं वो लाइव देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से मैं एरोनॉटिकल्स में बहुत ज्यादा मैं खूब इंटरेस्ट रखता हूँ। हाँ नहीं, मैंने पढ़ाई की है, मैं अच्छा शिक्षित लड़का हूँ, तो मुझे इन सब में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि मैं ये सब में ज्यादा मैं देखूँ। और मेरे वही मैं इंतजार कर रहा हूँ कि एक जैसे ही बजेगा मैं घर जाकर लाइव अपना टीवी में देखूंगा, क्योंकि ये मानव इतिहास की ये चंद चीजें हैं जो आपको जिंदगी भर जो याद रहेंगी, जो सुनहरे अक्षरों में इतिहास के पन्नों में लिखी जाएंगी। और ये हमारे देश की, खास तौर पर हमारे देश से जो इसरो से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जो ये गया है, बिल्कुल 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 सभी लोग, लेकिन ये हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि आज हमारा चंद्रयान जो आज चांद पर 1 बजे पहुंचने वाला है, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत खुशी की बात है। मैं तो मौका मिले मैं कल ही निकल सभी जाना चाहते हैं चांद, अमर बस चले तो चांदे लिखवा लिया अपना कब्जा में। लेकिन ये मजाक अलग बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से शुभकामना। इसके पीछे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से सलाम है उन सभी को जिन्होंने ये चीज़ कर दिखाया। और हमारे जो गवर्नमेंट है, मोदी जी स्पेशली, जो हकदार हैं इस चीज़ के, जितने भी लोग इस कार्य से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया है, उन सभी को हाथ जोड़कर बहुत बहुत सलाम है, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो आज देश का नाम एक से जो हमारे जैसे अभी कुछ दिन पहले PV सिंधु जी ने हमारे देश का नाम और सर हमारा सर ऊपर कर दिया था गोल्ड मेडल जीत कर, जो पहली महिला बनी थी बैडमिंटन में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तो ये बहुत एक जब हम सुनते हैं तो यही सब सारी चीज़ें खुशी होती है। और जैसा कि अभी कुछ देर पहले हम चर्चा कर रहे थे भोजपुरी इंडस्ट्री की कि साउथ के साथ कैसा, तो यही बात है, आज हमारे लोग चांद तक पहुंच गए और आज अभी हम लोग उसी चीज़ में फंसे पड़े हैं कि आप इनके साथ क्यों कर रहे हैं, इनके साथ क्यों कर रहे हैं। आगे बढ़िए, देश का नाम और आगे बढ़ाइए, जितना हो सके मेहनत करिए। और जो मेरी हमेशा कोशिश, इसलिए मैं देशभक्ति फिल्में ज़्यादा करता हूँ, दुल्हन जाई पाकिस्तान से वो नाम है, लेकिन वो आप फिल्म देखोगे तो पूरी तरह देशभक्ति सिनेमा रहता है, इसीलिए रहता है कि ताकि उसमें हम जो हमारे जो आम इंसान के ये कईयों के दिल में जज्बा है, देश के प्रति प्यार है, लेकिन वो निकल नहीं पाता है, वो सभी लोग चाहते हैं, तो वो इसलिए मैं वो सिनेमा बनाता हूँ कि ताकि लोगों के जो जज्बात हैं वो मैं इसमें सिनेमा के माध्यम से लोगों तक पहुँचाऊँ। और देश के लिए सभी से वही निवेदन है, जितने भी युवा वर्ग हैं मेरे, जितने मेरे भाई हैं, सब लोग मेहनत करिए, देश का नाम और आगे बढ़ाइए, अच्छा अच्छा एक अच्छे काम करिए। और कमेंट्स चाहते आते कमेंट्स अच्छे करिएगा, कमेंट्स के बड़े चिंता रहती है हम लोगों को भाई, क्योंकि ऐसे ऐसे कमेंट्स कर देते हैं लोग, हाँ वो सब फेक अकाउंट्स वाले इतने कमेंट्स कर देते हैं कि हम लोग सोचते हैं यार हमारा भोजपुरी भाषा और हमारा भोजपुरी कल्चर कहाँ जा रहा है। तो आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें, जिससे हम सभी लोग प्रोत्साहित हों और अच्छा काम करें और मेहनत से और कमाल का काम करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू। पहली बार आपका ये डेब्यू हुआ भोजपुरी फिल्म में, यू आर साउथ इंडियन एक्ट्रेस, सो व्हाट वाज द रीजन टू बिकम अ पार्ट ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री? So first of all, I have to thank to all the audience and who are watching this, and
सबको नमस्कार एंड थैंक्स फॉर दिस वार्म वेलकम टू द मुंबई फॉर मी. हाँ, पहली बार मुंबई आई है, फर्स्ट टाइम मुंबई आई है. सो पहले मैं डायरेक्टर को धन्यवाद करती हूँ क्योंकि टू मेक मी ए पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड इंट्रोड्यूसिंग मी टू दिस भोजपुरी एंड डूइंग विद सुपर स्टार चिंटू पांडे जी. आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस. Let's see my luck in Bhojpuri. But इन्होंने पहले तेलुगु में इन्होंने तकरीबन पांच फिल्में इन्होंने तेलुगु में एज ए लीड इन्होंने कर चुके हैं. But while talking about south films, मतलब south films budget wise भी काफी ज़्यादा होता है, you know, more reach, more budget, more bigger stars. तो फिर you didn't have any objection when you approached for the film or for the role? No, I didn't get any objection. But the story was good. The concept was the main. So that's why I'm very confident to be a part of this. Which means you are very broad-minded as an artist. Another artist, अगर approach किया जाता है तो शायद वो accept नहीं करती. तो do you think you are a little broad-minded? ज़्यादा आप करते हैं ये ना सोचने का नज़रिया बड़ा है चीज़ों के लिए. What do you say about yourself? आपने उन्हें क्या कहना चाहेंगे? So I believe in story is the hero and basically I used to believe in selecting the movies and Chintu ji be a very, he used to select very good films and concept based. So that's why reason I came. अब तो ऐसा नहीं है, अब तो हर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि लैंग्वेज बैरियर तो अब तो कहीं नहीं रहा. इनफैक्ट आप देखो अभी तो पवन जी का अभी तो ये है, अभी तो आगमन तो इनका अभी हुआ है. इसके पहले राहुल देव जी, उन्होंने दुल्हन जय पाकिस्तान से टू किया. मुकेश ऋषि जी दुल्हन जय पाकिस्तान से वन, बट ऑब्वियसली टीनू वर्मा जी. तो जितने भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि बात होता है कि कौन मेकर किसको जाकर अप्रोच करता है. जैसा कि अभी प्रदीप रावत जी ने किया क्रैक फाइटर में, तो जो भी जाके जिसको अप्रोच करेगा, अजय देवगन सर ने किया हुआ है भोजपुरी फिल्म, शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने की हुई है, अमिताभ बच्चन साहब ने, द लीजेंडरी अमिताभ बच्चन जी ने तीन फिल्में किया हुआ है भोजपुरी में. तो बात उसकी नहीं, बात है अप्रोच की. अगर आपके पास अच्छा कहानी हो, अच्छा कॉन्सेप्ट हो और आपको लगता है कि इस कॉन्सेप्ट में ये कलाकार बैठ रहे हैं, इनको लेना चाहिए, तो वो आप अप्रोच करोगे और अगर उनको पसंद आएगा तो डेफिनेटली कोई भी करना चाहेगा. कितना अलग था आपके लिए भोजपुरी समाज से बाहर निकल के किसी दूसरी इंडस्ट्रीज की एक्ट्रेस के साथ समाज, फिर वही बात भोजपुरी की या किसी अन्य. हम हाँ, अगर ये आप सवाल करते, जब मैं अगर मैं भोजपुरी फिल्म लेके जाके मैं लंदन में कर रहा होता और उसमें हीरोइन लंदन की होती या उसमें हीरोइन पाकिस्तानी होती, हम पाकिस्तान में कर रहे होते अगर फिल्म, तो ये सवाल होता. बात भोजपुरी और साउथ की नहीं है, बात हमारे हिंदुस्तान की ही है, वो भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा है. हाँ, पूरी तरह डिफरेंट था क्योंकि वहाँ का जो टेक्निक है, वहाँ के कलाकारी में एक अलग बात है. एंड स्पेशली पावनी जी इज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, ब्यूटीफुल भी है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक्ट्रेस भी कलाकार भी बहुत खूबसूरत हैं, बहुत बहुत कमाल की अदाकारा हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं. एंड मुझे बहुत अच्छा लगता था इनके साथ काम करने में. हमने काफ़ी जब सीन्स करते थे तो कई शब्द हमारे भोजपुरी में जो एकदम ठेठ जो देसी होते थे, तो शी यूज़ टू आस्क कि मतलब ये इसका क्या मतलब है, तो मैं बताता था, तो कई बार ये हंस देती थी, हंस पड़ती थी कि शब्द ऐसे होते थे. तो और कई बार ऐसा होता था कि हम लोग इनके मैं जब ये तेलुगु बोलती थी आपस में तो मैं इनसे पूछता था कि इसका मतलब क्या है, तो कई बार तो ऐसे ऐसे शब्द आते थे जो सुन के सारा आदमी कान एकदम बहरा हो जाए. क्या है कि वो हम लोग के यहाँ गाली है और इन लोग के यहाँ वो अच्छी चीज़ है, तो ऐसे कई बार हम लोग फंस जाते हैं. आपने बहुत पुलिस क्या कहीं तक? Yeah, I tried, but this the debut film. अच्छा, फिल्म में कोई ऐसा लगा जो बहुत पुलिस आप बोल सकें? अभी मैं प्रॉम्प्टर ही हम अपना दर्शक लोग के बहुत प्यार करें, बहुत प्यार करें और हम चाहता नहीं और हम चाहता नहीं चाहता नहीं चाहता नहीं और हम चाहता नहीं और हम चाहता नहीं कि रवा लोग भी हमरा से बहुत 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 चिंटू जी जितना चिंटू जी जितना प्यार करी हम इनका की सबसे पहला पता वाकई सिखाऊंगी है, हम इनका सिखाऊंगी कि देखिए आपको भोजपुरी स्टार्ट करना सबसे पहले सीखिए कि हम रवा से बहुत प्यार करेंगे. हाँ, that's the first day. पहले दिन हम ये सिखा देंगे कि तू हमके रोज सुबह सुबह जब हम लोग मिलेंगे तो गुड मॉर्निंग नहीं बोलना, यही बोलना कि हम रवा से बहुत प्यार करेंगे.
हमारे फायदा रहेगा। तमिल, तेलुगु, मलयालम को सबसे अच्छा कौन सा लैंग्वेज आता है? So I used to talk in Telugu. Telugu. अपने दर्शकों को भोजपुरी फिल्म दिखाएंगे तेलुगु में बात करके। तेलुगु में भोजपुरी ये फिल्म देखने। Yeah. अंदर की नमस्कार अंडी ना अपने पाव नी। So माना टॉलीवुड नींची ने भोजपुरी के रावण जरी इन्हीं भोजपुरी लो मूवी चेसा नो। So इरोज ना मूवी रिलीज है इन्हीं। So అక్కడ హైదరాబాద్లో ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రతి ఒక్క డైరెక్టర్కి చెప్తున్నాను, ప్లీజ్ మా మూవీని చూడండి, ఒక తెలుగు అమ్మాయిగా ఇక్కడ నన్ను సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, చాలా హ్యాపీగా ఉంది, అలానే మీరు తప్పకుండా చూసి సపోర్ట్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. हम ये मजा पूरा 40 दिन लेनी है, खाली बगली बैठ के ही बोला तरनी, हम खाली मजा लेते रहनी। वाह कितना सुंदर बोला। बहुत सारे हीरो हैं, रजनीकांत जी हैं, पवन कल्याण जी सुपरस्टार हैं, सूर्या जी का ही सुपरस्टार है, चिंटू जी के साथ काम करके कैसा लगा, उन लोगों के साथ काम करके? I didn't work with them, so I'm, this is my upcoming, so I'm trying to do. But he's asking ki what is the difference between working with the Telugu actors and what is the difference between acting with, performing with Pradeep Pandey Chintu. I thought, first of all, he's a superstar in Bhojpuri. Thank you so much. But he's a very down to earth. I used to thought I was very nervous on first day. Yeah, very. Yeah. On first day, I used to very nervous how I should talk and how it will be, how the treatment will be there. So on the first day, when I was in makeup, he used to came me and he met me once. So that day onwards, he used to treat very corporate and feel free with actress, co-actress. Yeah, so it was amazing. देख लेला ये नो कहानी है, यूपी बिहार के जादू होला है, यूपी बिहार के लोग नाले के जादू होला है। मतलब आर यू वेर यू अवेयर ऑफ एनी फिल्म्स भोजपुरी फिल्म भोजपुरी स्टार्स मतलब अर्लियर बिसाइड चिंटू एनी स्टार्स यू नो अर्लियर or have you watched any Bhojpuri film before that? No, I didn't saw any Bhojpuri film. This we used to talk. नहीं क्योंकि हम काफी बार बात करते थे और मैं उनको हमारे अपने हमें अपने जी मैं उनको बताता था कि अपने हमारे इंडस्ट्री के बारे में, हमारे इंडस्ट्री के स्टार्स के बारे में, हमारे इंडस्ट्री के बारे में, सिनेमा के बारे में, क्योंकि ये पूरी तरह एक अलग जोनर में है ना तेलुगु में, तो वहाँ पर भोजपुरी को ज़्यादा नहीं जानते हैं जो प्रॉपर तेलुगु से हैं। तो यही जो सवाल जो बार बार ये वही जवाब है जो मैं देना चाह रहा हूँ कि मैं इसीलिए मेरा करने का जो सबसे बड़ा कारण था ये साउथ के लोगों के साथ, हैदराबाद के लोगों के साथ ये फिल्म को, कि ताकि जब वो हम कहीं भी जब बाहर जाएंगे तो वो हमारी चीज़ों को जानेंगे। जैसा हमारे यहाँ जो भिखारी ठाकुर जी थे, जब वो बाहर गए प्रोग्राम करने, मंच करने, तो उन्होंने लोगों के बारे में, तो बहुत लोगों को जागरूकता भोजपुरी की हुई। तो खाली उन्होंने बल्कि कई ऐसे कलाकार, कई ऐसे भारतीय कलाकार जब वो बाहर निकले और लोगों को बताया हमारे बारे में, अपने बारे में, तब लोगों को पता चला है। तो यही बातें होती है कि जब आप बाहर निकलते हो, बाहर बात करते हो, बताते हो लोगों के बारे में, आप उनके साथ जब काम करते हो, तो उन लोगों को आपके बारे में पता चलता है, आपकी इंडस्ट्री के बारे में, आपके सिनेमा के बारे में। एंड कई मज़ेदार किस्से भी हम डिस्कस करते थे इनकी इंडस्ट्री के, हमारे इंडस्ट्री के। तो ये सारी आपका परिवार के साथ सिनेमा घरों के बाजू, आपके बाजू के सिनेमा घरों के पास जाके जरूर देखना है, आपको बहुत मजे आते हैं और हमारी जोड़ी भी बहुत मजे आते हैं। लेकिन हिंदी में बात करें यार, हिंदी बड़ा अच्छा है क्या, सीरियसली मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इतने देर से कहाँ अंग्रेजी बतिया रहे थे जी आप लोग? चिंटू भी कुमारा है, मेरा शादीशुदा नहीं है, आपको पसंद है? हाँ बोल दो ना, मेरा बेइज्जती नहीं करना। अच्छा हाँ अच्छा, हाँ नहीं अच्छे से बोलो, हाँ पसंद आपको? एग्री है
मैं तो पहले दिन से एग्री, मैंने पहले दिन पहुंच के सिखा दिया था। हाँ मैं तो पहले दिन पहुंच के सिखा दिया था। चिंटू पांडे के साथ ये पावनी के साथ होने वाला है। ये कुछ ज्यादा हो गया भाई, ये कुछ ज्यादा हो गया। मीडिया के सामने एग्री कर लिया है, उनके साथ ही होगी है ना। चिंटू जी रहते थे, एक और पंडित जी को कब बुलाया जाए? हाँ, ऑन द सेट, ऑन द सेट। ये बहुत सही। हाँ, एक अभी नायक के टीम जो रमना मुरली जी हैं, जिन्होंने फिल्म बनाई है, अब वो इस सफलता के बाद, इस खूबसूरत एक्सपीरियंस के बाद, हमने फिर से, मैं और रमना जी, हम लोग फिर से एक सिनेमा का निर्माण करने की शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नए फिल्म की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम की घोषणा आपको बहुत जल्द हो जाएगा। उसका अभी कहानी अभी डिस्कशन हो रहा है, और इसका टाइटल, इसका शीर्षक अभी रखा जा रहा है। जैसे इसका शीर्षक रखा जाएगा, बहुत जल्द आप सबको, आप सबके बीच में, मेरे पूरे भोजपुरिया समाज के बीच में वो नाम आएगा और वो सिनेमा आएगा, और उसे हम सबका प्रयास है कि हम लोग और नायक से भी बेहतरीन बनाएं, नायक से और बड़े लेवल पर, और भी अच्छे लेवल पर उसे सिनेमा बनाएं, कि ताकि आप सब लोग पूरी तरह एंटरटेन होते रहें, लेकिन पूरी तरह पारिवारिक, और साथ साथ आप हमारे सारे वर्ग के लोगों के लिए, सारे क्लास के, उम्र के, वर्ग के लोगों को मद्देनजर रखते हुए सिनेमा का निर्माण करेंगे, और एक नई और कमाल की खूबसूरत कहानी लाएंगे। और मैं चाहूँगा कि ये सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं और जो इस फिल्म को बनाने वाले हैं, मैं उन दोनों को मैं आप सबके बीच बुलाना चाहूँगा। प्लीज़ आइए, रमना जी आइए, नायक। जैसे कि मेरा नाम दीपक बलदेव, वी आर बेस्ड आउट हैदराबाद बेस्ड प्रोडक्शन हाउस कंपनी, एंड रमना इज मेरा अच्छा मित्र है, कई सालों से हम इसे जानते हैं, तो इनका काम हमने देखा है, एंड नायक की शूटिंग पे भी हम काफ़ी बार विजिट किया था हम लोगों ने, तो जिस तरह से क्वालिटी ऑफ वर्क इन्होंने किया है, तो मेरे और मेरे टीम जो है मेरे प्रोडक्शन हाउस की, तो वी आर वेरी इंप्रेस्ड विथ इस क्वालिटी ऑफ वर्क एंड द कंटेंट जो ये कहानी में दिखाते हैं। तो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट वी आर डूइंग आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट इन भोजपुरी अलॉन्ग विद द सेम टीम ऑफ नायक, विद ऑल द सपोर्ट ऑफ आवर यंग एंड हैपनिंग हीरो। सो होपिंग फॉर द बेस्ट। मुरली जी, आप कितना खुश हैं नई फिल्म आपको एक बार मिली इस फिल्म? बहुत कुछ बहुत अच्छा लगेगा ना, ये फिल्म रिलीज होने के बाद नेक्स्ट डे और एक फिल्म मिलते तो बहुत ज्यादा भोजपुरी सीख लिए हैं, थोड़ा थोड़ा सीखने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, तनी तनी सीख सबको एक बार बोल रहा हूँ। मैं पहले खिलाड़ी नंबर वन किया था दिनेश जी का साथ, उसमें दिनेश जी और पाकी जी और मनोज टाइगर जी, उसमें विलन तेलुगु से बुलाया राम रेड्डी सर को, उन्होंने हिंदी में भी बहुत ज्यादा फिल्म किया था। उसका बाद मैं मर्द नंबर वन किया था मनोज तिवारी सर से, उसमें मनोज टाइगर जी और मनोज तिवारी जी भी, और नेक्स्ट मैं और एक फिल्म भोजपुरी में किया था कसम दुर्गा की, इसमें रानी चटर्जी और मनोज भैया भी दोनों का साथ, और फोर्थ फिल्म नायक अभी रिलीज है आज, बहुत बड़ा रेस्पॉन्स आया, सबको धन्यवाद, और उसका प्यार के लिए वेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट फिल्म मेरा दोस्त, मेरा बचपन से, एक्चुअली 20 ईयर्स से उन्होंने मेरा दोस्त है, उन्होंने मेरा फिल्म देखने के बाद मेरे साथ एक फिल्म बनाने के लिए अभी बोला था, हम बहुत एक्साइटमेंट एंड हैप्पी मोमेंट इस टाइम, उसका एक्चुअली दीपक बोलते तो मेरा पुराना दोस्त है, लेकिन उसका साथ और एक आदमी है ऐसे ही बोल के, उन्होंने उसको बोल के कन्फर्म कर दूंगा अच्छा फिल्म बनाएंगे करके, पूरा होप उसका ऊपर रख के दोनों मिलकर कर रहे हैं। थैंक यू अजय सर, और ये फिल्म हाँ करने के लिए भैया को भी थैंक्स बोल रहा हूँ जाने के बाद। पावनी होगी? पावनी अभी बोल रहे ना, क्या काम करते अभी बोल रहे हैं। पावनी वो गुलदस्ता है, वो गुलाब है, जिसके बिना गुलदस्ता सज नहीं सकता है, तो वो मेरा टीम एज इट इज टीम करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ 99.9%। थैंक यू सर।
थैंक यू। देखा इतना हिंदी क्लैपिंग हिंदी के लिए, इतना लंबा हिंदी बोले। जब मैं सच्ची जब मैं पहली बार जब नायक करने गया था और जब ये मुझे कहानी सुनाने आए थे तो इनको हिंदी का हब ही नहीं आता था, बल्कि इनका कहानी जो राइटर है हमारे लाल जी यादव वो सुना रहे थे, लाल जी यादव जी हमें कहानी सुना रहे थे पूरी और वो बता रहे थे। तो एक ट्रांसलेटर थे जिनका नाम था विक्षु अन्ना जो आए थे, तो वो ट्रांसलेट करते थे तेलुगु से भोजपुरी में, तेलुगु से हिंदी में। तो ये इन्होंने इतना हिंदी बोला, ये मेरा असर है Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.